विशाल गाय, मिट्टी का घर एंड लायन। गांव से गाय जंगल में घास खाने जा रही थी कि तभी एक गाय दूसरी गाय से कहती है, अरे ओ चलना जल्दी जल्दी पैर चला, नहीं तो हम सबसे पीछे रह जाएंगे और हरी हरी घास हमें खाने ही नहीं मिलेगी। हारी तुम सच कह रही हो, अरे सुन तुम्हें पता है क्या, ये रानी हमारे साथ जंगल तो आती है पर पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अरे हमें क्या, वो कहीं पर भी जाए, जाने दे उसे, जब शेर सामने आएगा ना तब समझ आएगा उस रानी को, चल अब। दरअसल रानी एक गाय थी, उसी जंगल में एक जादुई गुफा रहती है जिसके अंदर एक मिट्टी का विशाल गाय का घर बना होता है और उस गुफा का पता सिर्फ रानी को ही था। रानी सारी गायों से छुपके से उस जगह जाती थी और ढेर सारा खाना खाकर वापस गायों में मिल जाती थी। एक बार एक गाय रानी से पूछ ही लेती है, अरे रानी ये तुम हमें छोड़कर कहाँ जाती हो बीच में ही, हमें भी तो ले चलो उस जगह। हाँ हाँ समय आया ना तो मैं तुम सबको ले चलूंगी वहाँ। उस दिन गाय जंगल में चल रही थी कि उन्हें शेर देख लेता है और वो मन ही मन में सोचता है, इन गायों का तो चुपके से शिकार करना होगा, किसी को पता चला तो सारे के सारे चौकन्नी हो जाएगी और मेरा शिकार भी हाथ से निकल जाएगा। शेर ऐसा सोचकर गायों का रोज चुपके से शिकार करने लगता है। धीरे धीरे गायों की संख्या कम होती दिखाई देती है, बाकी की गाय बहुत ही परेशान हो जाती है। तब वो सारी गाय एक जगह पर इकट्ठा होके बातें करने लगती है। उसमें से एक गाय कहती है, अरे बहनों आजकल ये क्या हो रहा है, हमारी साथी गाय एक एक करके गायब कैसे हो रही है, लगता है कोई जंगली जानवर ये सब कर रहा होगा, तभी तो गाय गायब हो रही है। बाप रे जंगली जानवर, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अब क्या हम घास खाने जंगल नहीं आ पाएंगे, गांव की ही सूखी सूखी घास खानी पड़ेंगी क्या। सारी गाय डरने लगती है और आपस में बातें करने लगती है। तब रानी कहती है, अरे ऐसे मत डरो, हम हरी भरी घास खाने जंगल जरूर आएंगे, पर यहाँ नहीं किसी दूसरी जगह पे। तुम हमेशा पूछती थी ना कि मैं कहाँ जाती हूँ, तो चलो आज मैं तुम सबको उस जगह ले चलती हूँ। सारी गाय रानी के पीछे पीछे चलने लगती है। वो एक गुफा के सामने आती है, गुफा में एक रोशनी के साथ एक दरवाजा खुल जाता है। उसे देखकर एक गाय डर जाती है और रानी से कहती है, अरे रानी तुम हमें कहाँ लाई हो, कहीं तुम तो नहीं जो गायों को गायब कर रही हो। नहीं बाबा चलो मत डरो ऐसे, मेरे पीछे आओ। सारी गाय गुफा के दरवाजे से अंदर जाती है। गुफा के अंदर एक मिट्टी का विशाल गाय घर रहता है जिसके अंदर खाने के लिए ढेर सारी हरी भरी घास रहती है, जिसे देखकर सारी गाय बहुत खुश हो जाती है और पेट भर के खाना खा लेती है। खुश होकर एक गाय कहती है, अरे रानी ये जगह तो बहुत ही अच्छी है, यहाँ की हरी भरी घास खाकर मन बहुत ही संतुष्ट हुआ और अब ना हमें खाने की चिंता और ना ही किसी जंगली जानवर का डर। वहाँ पर वो पेट भर खाना खाकर वापस गांव चले आते हैं। अब तो ये रोज का ही हो गया था, शेर को गायों का शिकार नहीं मिल रहा था, वो भूखा रहने लगा था। तब वो सोचता है, आजकल ये सारी गाय कहाँ चली गई है, घास खाने भी नहीं आ रही, मुझे इस बात का पता लगाना होगा कि वो कहाँ जाती है। दूसरे दिन शेर उसी जगह आता है जहाँ पहले वो सारी गायें चरने आती थी। वो चुपके से गायों का इंतजार करता है। कुछ देर बाद ही वहाँ पे गाय आती है पर वो दूसरे रास्ते जाने लगती है। शेर भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। पीछा करते करते शेर भी उस गुफा में पहुंच जाता है।
वो उनके पीछे पीछे गुफा के अंदर जाते हुए उस मट्टी के विशाल गाय घर में भी पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर शेर को देखकर सभी गाय डर जाती है। तब वो शेर कहता है, अच्छा तो मुझसे बचने के लिए तुम लोगों ने ये जगह ढूंढ ली, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। रानी शेर की बात सुनकर एक गाय के कान में कुछ कहती है और सारी गाय गुफा के बाहर एक साथ भागने लगती है। भागते वक्त रानी शेर को अपने सर से मार देती है, जिस वजह से शेर नीचे गिर जाता है। तब तक वो सारी गाय गुफा के बाहर आ जाती है और गुफा का दरवाजा बंद हो जाता है। शेर नीचे गिर गया था, इसलिए उसे संभलने के लिए वक्त ही नहीं मिलता है और वो उस गुफा में बंद होकर रह जाता है। उस दिन के बाद से सारी गायों का डर भी खत्म हो जाता है। लायन, एलिफेंट, मंकी एंड मैजिकल कुआ। एक बंदर अपने झुंड से बिछड़ गया था। उसे वापस उनके पास जाने की राह मिल ही नहीं रही थी। वो पूरी तरह से जंगल में खो चुका था। भूखा प्यासा वो एक पेड़ पर जाकर बैठ गया कि तभी उसे पेड़ के नीचे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने पत्तों की आड़ में से छुपकर देखा तो उसे एक हाथी की सूंड नजर आई। उसे देखते ही पता चला ये हाथी ही था जो जोर जोर से रो रहा था। अब हाथी से क्या डरना, चलो जरा उससे हालचाल पूछते हैं। ये सोचकर उसने पेड़ के नीचे छलांग लगाई और हाथी के पास जाकर खड़ा हो गया। पर उसे ठीक तरह से देखते ही बंदर के ही हाथ पांव कांपने लगे। ये तुम क्या चीज हो? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, या कहीं मैं भूख के मारे मर तो नहीं गया, और मरने के बाद मुझे भूत देख रहे हैं। वो कोई मामूली हाथी नहीं था, वो हाथी और आधा शेर था। मतलब सिर हाथी का था और बाकी शरीर शेर का। कुछ ऐसे ही हालात थे उसके, और उसे ही देखकर बंदर पूरी तरह से डर गया था। बंदर को बाहर देखकर अजीब जानवर ने रोना बंद कर दिया। कई दिनों बाद उसे कोई जानवर दिखा था। बंदर को सामने पाकर उसका अकेलापन थोड़ा दूर हो गया और वो हल्की सी मुस्कान के साथ बंदर को देखने लगा। डरो मत बंदर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। हाँ तुम जिंदा हो और एकदम सही सलामत हो, और मैं कोई भूत नहीं हूँ। ये तो उस जादुई कुएं का कमाल है जिसने मेरी ये हालत कर दी। ना तो मैं ठीक से हाथी रह पाया और ना ही ठीक से शेर बन पाया। अब तो मुझे ऐसा देखकर कोई भी मेरे आसपास नहीं भटकता, सब मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ, मुझ पर विश्वास करो और हो सके तो मेरी मदद करो। उसकी मासूमियत देखकर बंदर को उस पर तरस आ गया और उसने उस पर विश्वास रखने की ठान ली। पर रह रहकर बंदर को जादुई कुएं के बारे में जानने की इच्छा होने लगी। वो घूम फिर कर उस प्राणी से इसी के बारे में पूछने लगा। उसकी इस जिज्ञासा को देखते हुए उस प्राणी ने उसे बताया कि वह असल में एक हाथी था और उसे जंगल का राजा बनना था, इसलिए उसके मन में शेर बनने की इच्छा जाग उठी थी और इसलिए उसने जादुई कुएं का ठिकाना पता लगाया और पता लगते ही उस तक चला गया। वो कुआं मांगने वाले की हर ख्वाहिश को पूरा करता था, पर उसके लिए एक खास विधि को पूरा करने की जरूरत थी और यही पर हाथी ने गड़बड़ कर दी। उस विधि को ठीक से पूरा ना करने की वजह से हाथी की आधी ख्वाहिश ही पूरी हुई और वो सिर्फ आधा शेर ही बन पाया, और अब वो इस लायक नहीं बचा कि वो फिर से उस विधि को पूरा कर पाए, और दूसरा कोई भी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। ओहो, ये बात है क्या? सच में जादू जैसी कोई चीज होती है? मैं तो ये पहली बार सुन रहा हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए वो विधि पूरी कर सकता हूँ? मुझे बहुत खुशी होगी अगर मैं तुम्हारे किसी काम आया तो। सच में? क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे? अगर ऐसा हुआ तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। पर कहीं तुम कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दोगे और तुम्हारा भी मेरे जैसा हाल हो गया तो?
बंदर उसे यकीन दिलाता है कि वो पूरी ईमानदारी से उसकी मदद करेगा और उसे पहले जैसा बना देगा। बंदर भूखा प्यासा था, इसलिए उसने हाथी की मदद से पहले अपनी पेट पूजा कर ली ताकि उसके पास पर्याप्त ताकत रहे और वो हाथी की मदद कर सके। उसके बाद दूसरे दिन दोनों उस जादुई कुएं की ओर निकल पड़े। जैसे ही उस कुएं के पास पहुंचे, उस रास्ते के दोनों तरफ उसे अजीब और नए तरीके के फलों के पेड़ नजर आए। हाथी ने उसे बताया कि उन्हें कुछ फलों की जरूरत पड़ेगी, तो तुरंत बंदर ने पेड़ पर चढ़कर उस फल को तोड़ा और कुएं के पास चला आया। अब मुझे क्या करना होगा दोस्त, तुम मुझे बताते जाओ, मैं वैसा वैसा करता जाऊंगा। दोस्त, तुम्हें ये सारे फल खाने पड़ेंगे, पूरे 10 के 10, और फिर उस कुएं में डुबकी लगाकर अपने मन की इच्छा जाहिर करनी होगी। अगर तुम पूरी तरह से पानी के अंदर जाओगे और अपनी इच्छा जाहिर करोगे, तभी तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बस इतनी सी बात? वो तो मैं यूं करके दिखाता हूँ। फल तो वैसे भी मेरे पसंदीदा हैं और ये तो बहुत रसीले भी लग रहे हैं। मैं अभी इन्हें खा जाता हूँ। ये दिखने में बहुत अच्छे हैं, पर खाने में बहुत ज्यादा कड़वे। मैंने भी 10 की बजाय 5 ही फल खाए थे और पानी में डुबकी लगा दी, इसी वजह से मेरी ये हालत हुई है। अब मेरी सारी उम्मीदें तुमसे ही हैं, पर मुझे नहीं लगता कि तुम ये सारे फल खा पाओगे। उसकी बात सुनकर बंदर को थोड़ी सी घबराहट हुई, पर अब वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर वो फल खाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा देखकर ही सामने वाले को पता चल जाता कि शायद अब वो उल्टी करके सारा खाना बाहर निकाल देगा। इतना गंदा मुंह बनाकर वो फल खाने लगा और देखते ही देखते उसने सारे फल खत्म भी कर दिए। हाथी को तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। इससे पहले कि वो खाए हुए फलों को बाहर निकाले, उसने तुरंत ही उस कुएं में छलांग लगा दी और पूरी तरह से पानी के अंदर चला गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर जादुई कुएं से अपनी इच्छा जाहिर की और अपने दोस्त को पहले जैसे बनाने की कामना की। जादुई कुआं भी उसके समर्पण से बहुत खुश हो गया और उसने उसकी इच्छा पूरी कर दी। थोड़ी ही देर बाद हाथी ने खुश होकर बंदर को आवाज लगाई। तुमने कर दिखाया दोस्त, तुमने कर दिखाया, मैं पहले के जैसे हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जल्दी से बाहर आओ, मुझे तुम्हें गले लगाना है, अपनी पीठ पर बैठा कर पूरे जंगल की सैर कराना है। हाथी की आवाज सुनते ही बंदर खुशी से उछल पड़ा, पर बाहर आने की वो जितनी भी कोशिश करता निकल ही नहीं पा रहा था। इतनी देर तक पानी में रहने की वजह से उसकी सांस घुटने लगी और वो बेहोश होने लगा। बाहर खड़े हाथी को अब उसकी चिंता होने लगी। उसने तुरंत अपनी सूंड को कुएं में पानी में डाला और बंदर की पूंछ को पकड़कर उसे कुएं से बाहर निकाला। बाहर आते ही बंदर ने गहरी सांस ली और वो मुस्कुराते हुए हाथी को देखने लगा। हाथी ने अपने सूर से उसके सीने को थपथपाया और उसके फेफड़ों में अटका पानी बाहर निकाला। तुमने तो कमाल कर दिया दोस्त, इतने कड़वे फल खाना और इतनी देर तक पानी के नीचे जिंदा रहना मेरे लिए तो असंभव था। मैं दोनों ही काम करने में नाकामयाब रहा, इसलिए मेरी ये हालत हो गई। मेरा नसीब अच्छा था जो तुम मुझे मिल गए और मैं वापस पहले जैसा बन गया। आज के बाद मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। बंदर भी उठकर खड़ा हो गया, एक ऊंची सी छलांग लगाकर हाथी की पीठ पर जा बैठा। जादुई कुएं को पीछे छोड़ दोनों निकल पड़े जंगल की सैर करने। ऐसी और अमेजिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।